बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला की रहमत, करम, फजल और शुक्र के साथ आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। सोना आया ते सदके ने गलियां बाजार। सुबह है माशाल्लाह 12 रवी रवल। अभी हमने ना बलून भर के मस्जिद के बाहर लगाने हैं, बाहर वाला हिस्सा जो है ना मस्जिद का वो सजाना है। तो भाई मुजस्सर के पास बलून भरने वाली मशीन है, इलेक्ट्रिक मशीन, तो उससे क्या होगा की बलून हम जल्दी जल्दी भर लेंगे। तो अभी वही लेने के लिए मैं भाई मुजस्सर के पास आया हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये सिंपल जैसे लगाना और चलना शुरू हो जाएगी। हाँ। और इधर से भरने हैं या इधर से भर सकते हैं। इसको जब आप प्रेस करेंगे थोड़ा सा, फिर इसमें हवा आएगी, इससे इधर से तो लगातार आती रहेगी। माशाल्लाह, ये हमारी मस्जिद की फ्रंट साइड है, बाहर वाली साइड है, और इसको लाइट्स और मुख्तलिफ चीजें लगा के सजाया गया है। देखे माशाल्लाह, यहाँ पे जितनी चीजें थी वो लगा दी है, सिर्फ गुब्बारे रह गए हैं। तो अभी गुब्बारे लगाते हैं और मजीद सजाते हैं, तो आ जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, मशीन ले आए हैं गुब्बारे भरने वाली भाई मुदसर से। तो ये दुकान है हमारे गांव की, टाइम जो है रात के 10 होने वाले हैं भाई साहब। तो दुकान बंद हो चुकी है, तो दुकान के बाहर ना एक इधर स्विच है, तो वहां पे ना हमने ये मशीन लगाई है। तो इतने सारे गुब्बारे हैं हमारे पास, ये देखें भाई साहब, ये देखें इतने सारे गुब्बारे हैं। तो अभी भरेंगे जी गुब्बारे, और ये जो आप धागा देख रहे हैं ना, इसके साथ बांधेंगे और फिर ऐसे ऊपर लटकाएंगे, बहुत ही खूबसूरत लगेंगे गुब्बारे। ऐसे तो देना ना, इन्हें प्रेस करना, फिर नहीं चलना। और ये मत समझिएगा कि ये दुकान बंद है तो हम बिजली वगैरह चोरी कर रहे हैं। दुकान का मालिक जेड़ा साडे नाल ही है, सुखलैन भाई तो डर रहे हैं जी। इधर रहे जी हमारे बहुत ही प्यारे भाई, भाई अंसर। तो ये कह रहे हैं कि मिलाद की इस वीडियो में मेरी वीडियो आनी चाहिए, क्योंकि इनके रिश्तेदार देखेंगे, पता नहीं कौन कौन से मुल्क से। हेलो जी, आ गए तो यूं ना देखो, हैंडसम, वेरी वेरी हैंडसम गाय, ऑल द वे फ्रॉम शॉपर। कुछ ना पाई, जो कुछ पाया ही ए हुन पै गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह, ये पीछे आप गुब्बारों की लाइन देख रहे हैं ना, ये एक लाइन मतलब तैयार हो चुकी है। तो अभी इनको ना ऊपर बांधते हैं जहाँ पे हमने सोचा है, फिर देखते हैं कैसे लगते हैं। तो अभी बांधते हैं, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। देखें माशाल्लाह, ये गुब्बारे हमने अभी अभी लगाए हैं ये लाइन में, ये गुब्बारे जिनमें हमने हवा भरी है, इतने सारे हमारे पास अभी पड़े हुए हैं। और अभी हम नेक्स्ट सोच रहे हैं कि कहाँ पे लगाए जाएं गुब्बारे, कहाँ पे ज्यादा खूबसूरत लगेंगे। ये हमारे अब्दुल्ला भाई हैं, कहते हैं कि मेरी वीडियो बनाओ, देखो मैं कितनी स्पीड से गुब्बारे बांध रहा हूँ। तो वाकई में इनकी काफी ज्यादा स्पीड है। और एक हमारे अब्दुल्ला भाई हैं जो लेके आ रहे हैं गुब्बारे। माशाल्लाह, आशिके रसूल देखो जी, माशाल्लाह कितनी मरहबा, मरहबा, कितनी मोहब्बत से जी काम हो रहा जी। ये हमारे नवीद भाई हैं माशाल्लाह, और इधर बाबर भाई लगे हुए हैं माशाल्लाह, हमारी हेल्प के लिए काफी जवान आ चुके हैं माशाल्लाह। बड़ी स्पीड है यार मुंडे की, कसम है। हाँ जी भाई जान, सोने लगे ने। हाँ, बिल्कुल ठीक है। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, जब हम शुरू हुए थे इतने ज्यादा जवान नहीं थे, देखते ही देखते माशाल्लाह देखें कितने सारे जवान जो हैं वो आ गए हैं। और हमारे बड़े भाई भी लग गए हुए हैं माशाल्लाह। रात के 11 होने वाले हैं, और ये जो चूना देख रहे हैं ना, ये हमारे फैजान भाई हैं, एक वो डाल रहे हैं गली में। अभी थोड़ी देर पहले ही फैजान भाई ने ना झाड़ू लगाया गली में माशाल्लाह, और अभी वेलकम के लिए चूना डाल रहे हैं गली में माशाल्लाह। शाबाश, वेरी गुड। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमारा भी तकरीबन काम खत्म हो चुका है, गुब्बारे जो है ना हमने लगा दिए हैं। अभी रात है तो सही से आपको नजर नहीं आएंगे, सुबह मैं आपको इंशाल्लाह इंशाल्लाह दिखाऊंगा। बहुत ही प्यारे लग रहे हैं अभी तो, क्योंकि लाइट्स ऑन है ना डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की, तो वो जब गुब्बारों के साथ टकरा रही है ना तो रिफ्लेक्ट हो रही है, मतलब बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं माशाल्लाह। बाद नमाज ईशा हमारी मस्जिद में एक छोटी सी महफिल थी, तो उसमें चावल तकसीम किए गए थे, तो हमने ना थोड़े से चावल रख लिए थे क्योंकि हमने काम करना था। तो हमने सोचा था कि काम करेंगे ना तो काम करने के बाद लग जाएगी भूख, तो फिर हम वो चावल खाएंगे। तो अभी जो है ना वो चावल खाते हैं और फिर अपने अपने घरों को जाएंगे इंशाल्लाह। माशाल्लाह, वाह जी वाह, डिफरेंट कलर्स के और बहुत ही ज्यादा
बलून्स हमने लगाए हैं अभी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जी अपने चावल हैं, कुछ हमने शापर जो है ना वो अलहदा कर लिए थे, तो अभी खाते हैं चावल। अल्हम्दुलिल्लाह जी, चावल हमने खा लिए हैं। अभी हम गांव के दूसरे मोहल्ले जा रहे हैं, वहाँ पे सही से गली को ना सजाया गया है। अभी चलते हैं वहाँ पे, देखते हैं क्या सूरत हाल है, और अगर कुछ नज़र आता है तो आपको भी दिखाते हैं, क्योंकि अंधेरा है तो अंधेरे में सही से कुछ नज़र आता नहीं है। ये इधर वेलकम लिख दिया है फिजान भाई ने। माशाल्लाह जी, ये वो जगह है जहाँ पे दूसरे विलेजेस के जुलूस आएंगे और हमारे गांव का जुलूस यहाँ से उनके साथ मिलेगा, तो यहाँ पे उनके वेलकम के लिए बहुत सी चीज़ें जो हैं वो बनाई जा रही हैं। और ये जगह ऊपर से देखें माशाल्लाह कितनी खूबसूरती से सजाई गई है माशाल्लाह। तो अभी काम चल रहा है, ये रात गए तक जो है ना मज़ीद काम चलेगा और सुबह सही से ये जगह देखने वाली होगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। नाना करते रात के 12 हो गए हैं और अभी मैं जा रहा हूँ घर। ये है जी वो रात वाली जगह जहाँ पे हम रात को बलून्स लगा रहे थे माशाल्लाह। तो लड़कों ने ना सुबह सुबह चूना भी इधर डाल दिया है, तो ये वो जगह है। रात को ये वाली लाइट्स ऑन थी ना, ये इधर बिल्कुल मस्जिद के दरवाजे के बाहर इधर लाइट्स लगाई हुई हैं, तो क्या खूबसूरत ये लाइट्स लग रही थी, क्या बताऊँ। वीडियो में उतनी खूबसूरत नहीं आ रही थी। दूसरे गाँव का जुलूस जो है वो थोड़ी देर में ही हमारे गाँव पहुँच जाएगा, तो मेन चौक जो है वहाँ पे चलते हैं, जहाँ पे रात को तैयारियाँ चल रही थी ना, वो आपको दिखाता हूँ मैं। उसके अलावा ये हमारा गाँव है, चूना शूना डाल के ये ऊपर देखें माशाल्लाह, ये देखें क्या बात है। ये गली जाती है जी वो मेन जगह पे जहाँ पे दूसरे गाँव का जुलूस आएगा, उसका वेलकम किया जाएगा। इस गली को सही से सजाया गया, बड़ा जबरदस्त किस्म का एक नजारा बच्चे ने बनाया था पूरी रात में करके। उस जगह से जुलूस का इस्तकबाल किया जाएगा और उसके बाद लंगर बनाया जाएगा। मौत भी कबूल है तो जिंदगी फजूल है। अल्लाहु अकबर। माशाल्लाह जी, दूसरे गांव का जुलूस जो है वो पहुंच चुका है यहाँ पे, तो जैसे ही जुलूस यहाँ पे आएगा उनका इस्तकबाल किया जाएगा, फिर इनके साथ हमारे गांव का जुलूस मिलेगा, फिर दूसरे गांव में महफिल है वहाँ पे जाएंगे। इस तरफ हमारे गांव के जवान हैं माशाल्लाह, ये दूसरे गांव की मस्जिद के इमाम और हमारी मस्जिद के इमाम साहब आपस में मिल रहे हैं माशाल्लाह। लंगर जो है इधर रखा हुआ है हवेली में, वहाँ से जो है ना तकसीम किया जाएगा। तो अभी बहुत मुश्किल होगा सबको लंगर तकसीम करना, क्योंकि आवाम ज्यादा है। नहीं नहीं पुत्र शाबाश, आराम नाल राम नाल राम नाल राम नाल एक एक कर। मेरे प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम सब के प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप पे दरूद और सलाम भेजूं मैं सुबह शाम, आप हैं प्यारे मोहम्मद। अच्छा जी, तो अभी हम लोग जा रहे हैं साथ वाले गांव, जुलूस जो है वो निकल चुका है। चलो जी, हम बाइक्स पे जा रहे हैं, काफी आवाम जो है वो बाइक्स पे भी है, पैदल भी है। माशाल्लाह जी, महफल अभी अभी खत्म हुई है और महफल खत्म होने के बाद लंगर माशाल्लाह। तो हम सब दोस्त इकट्ठे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आमिर भाई अभी अभी सियालकोट से सीधा महफल में आए हैं माशाल्लाह, काम खत्म करके। कल छुट्टी है, परसों भी छुट्टी है, वेरी गुड माशाल्लाह। यहाँ पे महफल थी, अभी महफल खत्म हुई है, लोगों ने लंगर खाया है और लोग अपने अपने घरों की तरफ रवा दवा हैं। तो जी, आज का व्लॉग यहीं पे खत्म करते हैं। ज़ैनुल आबिदीन को दीजिए इजाजत, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।
बहुत सारा प्यार, अल्लाह हाफिज़।